आखिर सलमान ने क्यों कहा खुद को रेस का असली टाइगर? क्या है जायदाद के लिए लड़ते रिश्तेदारों की कहानी? क्या जैकलीन फर्नांडिस रेस फोर डबल रोल में थी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं अनुष्का त्यागी। तो खुद को रेस का टाइगर बता चुके सलमान खान की फिल्म रेस 4 अपनी रिलीज के बाद से ही मजाक का पात्र बन गई थी। खराब कहानी, बेकार के डायलॉग और जबरदस्ती के एक्शन सीन्स के लिए इस पर कई तरह के मजाक बने थे। पर दोस्तों, इस बात से भी हम पीछे नहीं हट सकते कि इन सब के बावजूद फिल्म ने 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी, जो अपने आप में ही अलग बात है। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो आप भी बेशक ही जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या था इस फिल्म की कहानी में जो इसके साथ ये सब हुआ। तो आइए आज हम आपको बता देते हैं कि फिल्म की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, शमशेर सिंह यानी कि अनिल कपूर का अल सिफा नाम का एक द्वीप होता है, जिसमें वो हथियारों और नशीले पदार्थों का व्यापार करता है। अब सिकंदर सिंह यानी कि सलमान खान शमशेर का गोदिया बेटा है, जबकि संजना यानी कि डेजी शाह और सूरज यानी कि सागिब सलीम उसके जुड़वा बच्चे हैं। यश यानी कि बॉबी देओल शमशेर का एक बहुत करीबी और सिकंदर का खास है। रघुवेंद्र सिन्हा उर्फ रघु चाचा उर्फ सैकली अंकल यानी कि शरद सक्सेना शमशेर का खास बॉडीगार्ड है। फ्लैशबैक सीन्स में दिखाया जाता है कि राणा विजय यानी कि फ्रेडी दारूवाला शमशेर का दुश्मन है, जो उसके लिए परेशानियां खड़ी करता है। संजना और सूरज 25 साल के होते ही उनका वकील उनकी मर चुकी माँ की वसीयत सुनाता है, जिसके अनुसार वो दोनों जायदाद के 25% 25% के हिस्सेदार होंगे, जबकि सिकंदर पूरे 50% का हिस्सेदार है। इस पक्षपात को देखकर उन्हें सिकंदर से और भी ज्यादा घृणा होने लगती है, क्योंकि शमशेर भी उनसे ज्यादा सिकंदर को मानता है। तब वो दोनों को बताता है कि सिकंदर उनके बड़े भाई रणछोड़ सिंह यानी कि मिलिंद गुराजी का बेटा है। इसके बाद आगे 1970 के दशक में शमशेर और उसके परिवार की कहानी को दिखाया जाता है। किसी कारणवश रणछोड़ सिंह की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद शमशेर सिकंदर को पढ़ाई के लिए बीजिंग भेज देता है, जबकि सूरज संजना और सिकंदर की विधवा माँ को कम्बोडिया ले जाता है। तो दोस्तों, कहानी फिर आज के अलशिफा में आ जाती है, जहाँ यश एक रात उसकी प्रेमिका के बारे में सिकंदर को बताता है, और सिकंदर भी उसे बताता है कि बीजिंग में उसे एक लड़की जैसिका यानी कि जैकलिन फर्नांडिस से प्यार हो गया था, पर वो उसे छोड़कर चली गई थी। अब शमशेर के बचपन का दोस्त यानी ब्रजमोहन यानी कि राजेश शर्मा बताता है कि उसके दोस्त का होटल कुछ नेता अपने गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ये सब एक कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है, जो हार्ड ड्राइव में मौजूद है, और वो कम्बोडिया के बैंक लॉकर में है। शमशेर उसे लाने के लिए सिकंदर को भेजता है। एक पार्टी में पता चलता है कि जैसिका ही यश की प्रेमिका है। अब सिकंदर और जैसिका अकेले में एक कमरे में मिलते हैं। फिर सूरज और संजना, जिन्होंने इसके मिलने को रिकॉर्ड किया, वो ये वीडियो यश को दिखाते हैं। यश गुस्से से जैसिका के घर आता है, जहां उसे सिकंदर भी मिलता है। बाद में सिकंदर उसे बताता है कि ये सब उसे बर्बाद करने की संजना और सूरज की साजिश थी। यह सिकंदर के साथ मिलता है और साथ में दोनों जुड़वा के साथ होने का भी नाटक करता है। फिर सब मिलकर उस हार्ड डिस्क को लेने के लिए निकलते हैं। हार्ड डिस्क शमशेर को देने के बाद वो उसी गाड़ी में बॉम्ब रखवा कर उसे मरवा देता है, और उन वीडियो वाले नेता उसे मिलने चला जाता है। तब दोस्तों, शमशेर सबके सामने सिकंदर की मौत के बारे में बताता है। वैसे ही वो हार्ड डिस्क लगाता है, उसे पता चलता है कि वो नकली है। उसमें नेताओं वाली वीडियो ना होकर सिकंदर के माँ के द्वारा उसकी मौत के पहले बनाया गया वीडियो होता है, जिसमें वो बताती है कि रणछोड़ सिंह का खून शमशेर ने किया था, और दोनों जुड़वा बच्चे भी रणछोड़ सिंह के ही हैं। इसके बाद सिकंदर वहाँ आता है और बताता है कि किस तरह उसे रघु चाचा की मदद से अपनी जान बचाई, और उसे ये सच्चाई 10 साल से पता थी। तब शमशेर सबको बताता है कि यश उसका असली बेटा है। रेगिस्तान में सिकंदर और यश की लड़ाई होती है, और सिकंदर शमशेर की पूरी सेना को मारकर यश और शमशेर को इंटरपोल अफसर जैसिका के सामने सरेंडर के लिए मजबूर कर देता है। उन दोनों को गिरफ्तार कर उनके गांव भेज दिया जाता है। अब दोस्तों, क्लाइमेक्स में सिकंदर बताता है कि वो काफी पहले से सबकी प्लानिंग कर रहा था, और जैसिका और जुड़वा को सारे प्लान्स और सीक्रेट्स बताता है। शमशेर जेल के समय एक पुलिस अफसर को रिश्वत देते दिखता है, और यश जेल में भी अपनी बॉडी बनाता है। अपने जुड़वा भाई बहन से अलशिफा में मिलने के बाद सिकंदर उसे असली हार्ड डिस्क जैसिका को देने का प्लान बनाता है। फिल्म के अंतिम सीन में सिकंदर गाँव के एक पुलिस अफसर से मजाक में कहता हुआ दिखता है कि इस रेस का असली टाइगर वही है। अपनी खराब कहानी और बेकार के प्लॉट व ट्वीट्स के कारण फिल्म पहले ही काफी आलोचनाओं का सामना कर चुकी है। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो क्या आप कहानी जानकर इसे देखना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। तो दोस्तों, हमारी आज की राइटर है ऋचा गर्ग।